Assalamualaikum. Hi everyone, welcome back to my channel and thank you for watching my videos. आज मैं आपको स्ट्रेस पेपर के ज़रिए से बेडशीट पे ड्रॉ करना बताऊंगी। तो सबसे पहले डिज़ाइन अगर आपने फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी डिज़ाइन। फ्रेंड्स, हम इतनी मेहनत से बहुत उम्मीद के साथ वीडियो बनाते हैं, आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में और अपने फैमिली में हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपको बताते हैं कैसे हम बेडशीट पर ये डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मैंने ट्रेस पेपर की जगह प्लास्टिक लिया हुआ है, आप ट्रेस पेपर यूज़ कर सकते हैं। मैंने ट्रेस पेपर इसलिए नहीं लिया है कि ट्रेस पेपर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैंने प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है जो कि कुछ दिन रहेगा ये डिज़ाइन, हम रख सकते हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स, हम प्लास्टिक पे इस तरह से मार्कर या स्केच के ज़रिए डिज़ाइन कर लेंगे। पूरी डिज़ाइन करने के बाद हमारी जितनी भी आउटलाइनें हैं हमें उस आउटलाइन पे सुई के मदद से इसमें हॉल करना है, जैसा कि मैं अभी आपको वो भी करके दिखाऊंगी किस तरह से हमें हॉल बनाना है और किस तरह से हमें बेडशीट पे इस डिज़ाइन को बेडशीट पे कन्वर्ट करना है। तो हम अपने डिज़ाइन को अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनाएंगे और फिर इसी तरह से हमें उसको उसमें हॉल करना है डिज़ाइन पे, ताकि हमारी डिज़ाइन अच्छे से बेडशीट पे आ जाए। तो हमारी डिज़ाइन लगभग पूरी हो चुकी है, तो हम इसे बनाएंगे अब सुई से। मैं आपको भी बताती हूँ कि इसको किस तरह बनाना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखते देखते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत उम्मीद से हम ये डिज़ाइन बनाते हैं कि ताकि आप उसे लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने डिज़ाइन के नीचे पिल्लो रखा हुआ है। पिल्लो मैं इसलिए रखी हूँ कि हमें हॉल बनाने में थोड़ी आसानी रहती है, सुई को अच्छे से हम चुबा पाते हैं और इसमें हॉल बहुत आसानी से बन जाता है। तो हम नीचे पिल्लो कवर रख के इस तरह से सुई की मदद से डिज़ाइन के पूरी डिज़ाइन के आउटलाइनिंग पर हम इस तरह से सुई की मदद से हॉल बनाएंगे। इसके बाद जब हमारी डिज़ाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, हम पूरा हॉल बना लेंगे पूरी डिज़ाइन पे। उसके बाद हमें इसे बेडशीट पे कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा नील का पाउडर या फिर कलर, आप ले सकते हैं। अगर आपको नील नहीं मिल रहा हो तो आप कलर ले सकते हैं। मैंने भी कलर का ही यूज़ किया है, क्योंकि हमारे यहाँ हमें नील नहीं मिल पाया है इसलिए हमने कलर का यूज़ किया है। अभी मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ कि मैंने कलर का किस तरह से यूज़ किया है। हमें मिट्टी का तेल लेना है और मिट्टी के तेल में हमें कलर को फेंटना है, उसमें मिलाना है और हमें कॉटन लेना है। तो हमें कलर को मिट्टी के तेल में मिलाना है और हमें कॉटन से या फिर आप किसी कपड़े से भी कर सकते हैं। ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। ये हमारी छोटी सी डिज़ाइन है, इसको हम जगह जगह फैलाएंगे वो है। और ये हमारी पूरी डिज़ाइन है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप रख के बेडशीट पे बनाएंगे। तो ये हमारा, आप देख सकते हैं, ये हमारा बेडशीट है। हम इस डिज़ाइन को राउंड से बनाएंगे। तो हमने बेड के बीचों बीच से ये धागे को नाप लिया है
हमने धागे को नाप लिया है कि हमारा बेडशीट के अंदर ही कितना बड़ा बनाए कि बेडशीट के अंदर ही हमारा राउंड हमारा सर्कल बन जाए। तो ये हमने बेड के बीचों बीच निशान लगाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। और हमने धागा पहले से नापा हुआ है बेडशीट के अंदर ही, तो हम जैसे गोला प्रकार से सर्कल बनाते हैं उसी तरह से हम इसे एक हाथ से यहाँ बीच में रखेंगे धागा और दूसरे हाथ में इस तरह से पकड़ेंगे और दूसरे हाथ पे यहाँ पकड़ेंगे। इसमें हम चौक को बांध देंगे, आप बांध दो या फिर उसके सहारे से चौक को पकड़ लो जैसे आपको आसान लगे। तो इस तरह से हम पकड़ के और निशान लगाते जाना है। इस तरह से हम इसी तरह से सर्कल बनाएंगे इस। तो हमारे यहाँ सर्कल पूरा हो चुका है। ये इस तरह से हमारा सर्कल पूरा हो चुका है। हमने पूरे बेडशीट के राउंड से घुमाते हुए हमने सर्कल बना लिया है। आप देख सकते हैं मैंने गोलाई से इसको बनाया हुआ है पूरा। ये गोल है बेडशीट पे। इससे क्या है कि हमें डिज़ाइन का पता चलेगा कि हमारी डिज़ाइन बिल्कुल बराबर आएगी और समझ में आएगी कि हमें कहाँ कहाँ रख के बनाना है। तो मैं आपको अब बताती हूँ, ये मेरा ट्रेस पेपर आप देख सकते हैं जो मैंने हॉल बनाया हुआ है। अब इस पर हम मिट्टी का तेल लेंगे और ये मैंने जैसा आपको बताया कलर लेंगे, मिट्टी का तेल लेंगे इसमें मिलाएंगे और ये इस तरह से बेडशीट पे ऊपर से घसेंगे। और हमारा कलर क्या है वो जो हॉल के ज़रिए नीचे बेडशीट पे जा रहा है, जहाँ जहाँ हॉल है उसके ज़रिए से हमारा नीचे भी बेडशीट पर ड्रा हो जाएगी डिज़ाइन। तो इस तरह से हमें बनाना है, इसको हमें घसना है। थोड़ा ध्यान दीजिए आप इसमें दीजिएगा, जल्दी नील रहती है तो थोड़ा अच्छे से आ जाता है, लेकिन ये कलर इसकी वजह से बहुत लेट कई बार करने के बाद हमारी डिज़ाइन नीचे कन्वर्ट हुई है। इसके लिए मैं जल्दी ऐसा नहीं बनाती हूँ, लेकिन ये भी आसान ही रहता है, लेकिन इसके लिए नील या कलर। तो ये मैंने यहाँ कलर का यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे जो खाने में कलर डालते हैं वो कलर यूज़ किया है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं नील में। अभी भी हमारी डिज़ाइन नहीं आई हुई है तो हम उसको फिर से बना घसेंगे उस पर, जब तक ये अच्छे से डिज़ाइन उतर ना जाए तब तक हमें बनाते रहना है इसको। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी डिज़ाइन कुछ आएगी बनाने के बाद इस तरह से। तो हम इस डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप पक के बनाएंगे और आप ये देख सकते हैं कि हमने इस तरह से बनाया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप रख के देख इस तरह से हमारी डिज़ाइन आएगी। और जो हमारा बूटा है वो हमने बीच में लगाया हुआ है इस तरह से, आप देख सकते हैं इस तरह से हमने बनाया है। तो बहुत जल्द ही मैं आपको इससे कलर करके दिखाऊंगी इस बेडशीट को, तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।